आज लग चुके हैं दोस्तों आपके सामने फैसिनो एस मॉडल। क्या इसमें अपडेट्स रहने वाले हैं, क्या इसके फीचर्स रहने वाले हैं, सारे अपन जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों ये फैसिनो का एस मॉडल है और उधर आप में देखने को मिल जाएगा, ये आपका फैसिनो का आपको मतलब जो बेस्ट वेरियंट है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन अपन बात करेंगे आज इस फैसिनो एस मॉडल की जो 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। मतलब लुक देखने पर कैसा लग रहा है आपको, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ। हेडलाइट वगैरह आप देखो इसमें सारे वॉक अराउंड से, मैं आपको दिखाता हूँ इसका चारों तरफ से लुक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है दोस्तों इसके अंदर। बाकी धूप है बाहर उस वजह से इस साइड का थोड़ा लुक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अपन फीचर्स की बात करें आगे से, जैसे कि आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे जो कांच से स्टार्ट करते हैं अपन, कांच आपको देखने को मिलेंगे इस तरफ में, आपको ये क्रोम फिनिशिंग के साथ दोनों कांच देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों इधर आप बात कर लें लाइट की, तो लाइट्स में मतलब आपको ये देख लीजिए यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है चारों तरफ लाइट के। बाकी इधर आपको ये मैट कलर दिया गया है, ये रहने वाला है आर्माडा ब्लू कलर, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और बाकी लाइट की बात करें इसमें आपको LED सेटअप के साथ लाइट देखने को मिल जाएंगी। बाकी DRS जो हैं ये सीधे मतलब ये रहने वाले हैं आपके LED के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसके ये इंडिकेटर्स की बात कर लें, इंडिकेटर में आपको थोड़ा हैलोजन ही देखने को मिलेगा दोनों साइड में, आपको LED के अंदर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों इधर आपको ब्लैक कलर में मैट फिनिशिंग दी गई है। साथ ही दोस्तों ये आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे लग रहा है। इधर नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया गया है आपको। बाकी मडगार्ड में भी आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा गोल्डन और ब्लैक कलर में। मतलब ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं दिया गया लेकिन ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ग्राफिक्स से थोड़ा अलग सा लगता है मतलब स्कूटर। बाकी दोस्तों टायर्स की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मतलब आपको जो ये अलॉय व्हील दी गई है ये आपको गोल्डन में दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों बात कर लें इसके टायर साइज़ की, तो इसमें आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा 90x90x12 का आपको ये टायर साइज देखने को मिलेगा, जो कि रहने वाला है दोस्तों ट्यूबलेस टायर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 4 ट्यूबलेस यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों पीछे के टायर की बात कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, ये देख लीजिए पीछे का टायर ये देखने को मिलेगा आपको। ये इसके साइज़ बता देता हूँ मैं आपको, इसमें देखने को मिलेगा ये 110x90x10 का ये आपको टायर देखने को मिलेगा, ये भी रहने वाला है आपका ट्यूबलेस। साथ ही जो गोल्डन ये अलॉय व्हील है वो इसमें भी आपको देखने को मिलेगी, इस तरफ में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही पीछे से बात करें लाइट की, तो ये आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी जो कि LED के अंदर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर भी आपको यामाहा का लोगो देखने को मिलेगा, ये ब्लैक फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फैसिनो का नाम, जी हाँ दोस्तों मतलब जो कंपनी का नाम है, कंपनी का सॉरी बाइक इसका स्कूटर का नाम है वो देखने को मिलेगा फैसिनो एस का। ये रहने वाला है दोस्तों क्रोम फिनिशिंग के साथ, जो कि 3D के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 3D के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही जो ग्राफिक्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, वो मैंने आपको मडगार्ड पे बताया, वही आपको यहाँ भी हल्के हल्के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे येलो और गोल्डन कलर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इधर भी क्रोम फिनिशिंग का यूज़ किया गया है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बाकी इसमें बात करें मेटल का यूज़ किया गया है दोस्तों पूरी बॉडी के अंदर। बाकी सीट की बात कर लें, सीट काफ़ी ज़्यादा मतलब यार ब्राउन कलर में क्या अलग ही लग रहा है ना, इसके अंदर क्लासिक लुक आ रहा है ब्राउन कलर के अंदर सीट में, मुझे तो काफ़ी मतलब अपन खुद आके देखते हैं ना वीडियो के अंदर पता नहीं लगता भाई, जैसे शोरूम आके खुद देखते हैं ना तब जाके पता लगता है कि हाँ यार चीज़ है कुछ वास्तव में। बाकी दोस्तों आगे बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा 125cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक SOSC इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि रहने वाला है 2-वॉल्व इंजन देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी जो पावर प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम वो प्रोड्यूस करेगा 8.2 PS की, और जो ये टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो करने वाला है इसके अंदर 10.3 न्यूटन मीटर की। साथ ही दोस्तों इसके माइलेज की बात कर लें, इसमें आपको माइलेज देखने को मिलेगा 65 से 70 का, बाकी कोई अप्रोक्स माइलेज नहीं रहता है, आपके चलाने पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बताया है कि आपके चलाने पर माइलेज डिपेंड करेगा, कोई भी आपको कोई भी कंपनी फिक्स माइलेज बता के गाड़ी नहीं देती है, क्योंकि आपके चलाने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह बाइक को या स्कूटर को चला रहे हैं, उस हिसाब से आपको माइलेज देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इसके वज़न की बात करूँ, तो इसमें आपको वज़न देखने को मिलेगा 99 kg का, यानी 99 kg का आपको इसमें वज़न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, आपको फ्यूल का जो ऑप्शन है वो सीट के अंदर ही मिलेगा, बाहर आपको जैसे एक्टिवा वगैरह मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो इसकी टैंक कैपेसिटी रहने वाली है वो रहने वाली है 5.2 लीटर की, जी हाँ दोस्तों आपको 5.2 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। बाकी मीटर की बात करें, मीटर से पहले मैं आपको यहाँ पे बटन्स का बता देता हूँ, ये रहने वाला है हाई बीम लो बीम, इसी में आपको देखने को मिल जाएगा पासिंग स्विच,
ये रहने वाला है इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हॉर्न का स्विच, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये क्या किस चीज़ का पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता दोस्तों। बाकी दोस्तों इधर ये देख लाइट का आपको बटन देखने को मिल जाएगा इस तरफ में, इस बटन का भी मैं आपको जल्दी शॉर्ट्स बना के मतलब शॉर्ट्स बना के वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पर। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेल्फ का बटन, ये रहने वाला है दोस्तों स्पीडोमीटर इसका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यामा की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पे, मेरे को मोड चेंज करने का बटन है शायद यहाँ पे, हाँ शायद मोड चेंज करने का बटन ही है, मेरे को कुछ अलग ही लगा है यहाँ पे। इसमें बताऊँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्न बाय टर्न इंडिकेटर का, ये पासिंग का देखने को मिल जाएगा इस तरफ में आपको, और ये जो एक का है ये आपको इस तरफ में जो मैंने बताया बटन का मेरे को नहीं पता उस चीज़ का ये ऑप्शन है शायद, बाकी मैं बता दूंगा इसका शॉर्ट्स में आपको। ये भी आपको टर्न बाय टर्न इंडिकेटर का, ये इको का ऑप्शन रहने वाला है इसके अंदर। ये आपको असिस्टेंट का देखने को मिल जाएगा, मतलब इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी उस हिसाब से। यहाँ पे आपको मैनुअल फंक्शन की लाइट जो कि BS6 में इसमें कर दी गई है, हर आपको BS6 गाड़ियों में देखने को मिलेगी ये मैनुअल फंक्शन की लाइट। बाकी जो मीटर रहने वाला है पूरा आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैसिनो की आपको बेजिंग देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए। बाकी मीटर के अंदर देखने को मिलेगा आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर जैसे टैकोमीटर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी मोबाइल की ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और बाकी और बात करें इसमें आपको क्लॉक देखने को मिल जाएगा, गियर पोजीशन देखने को मिल जाएगा, और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड किए गए हैं जैसे साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन देखने को मिल जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड किए कर दिए गए हैं इसके अंदर। बाकी आपको ये कैसा लग रहा है मीटर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा UBS। अब ये UBS क्या होता है मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म, ये रहने वाला है यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा इस स्कूटर के अंदर दोस्तों। बाकी दोस्तों जो बूट स्पेस रहने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको चाबी लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कैरी स्विच देखने को मिल जाएगा इस तरफ में आपको, कुछ भी कैरी बैग वगैरह आप यहाँ पे अच्छी तरह फिट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें अपने को तीन मॉडल्स अवेलेबल हो जाएंगे। फर्स्ट इसमें मॉडल आपको मिलने वाला है ड्रम ब्रेक वाला, दूसरा इसमें देखने को मिल जाएगा डिलक्स ड्रम के अंदर, और तीसरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क वाला मॉडल। ये तीन मॉडल आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें आपका बेस मॉडल रहेगा ड्रम वाला जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और दूसरा इसमें आएगा डिलक्स ड्रम, मिडल वेरियंट आएगा, और तीसरा डिस्क आएगा यानी टॉप मॉडल। इसका प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो इसका प्राइस एक्सोरूम प्राइस इसका स्टार्ट हो जाता है 80,000 रुपये से लेकर 93,000 रुपये तक, यानी 80,000 रुपये में आपको ड्रम वाला ब्रेक मॉडल मिल जाएगा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो कि इसकी एक्सोरूम कीमत बता रहा हूं दोस्तों मैं। और डिस्क वाला वेरियंट लोगे तो वो आपके 93,000 से 94,000 रुपये तक मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस के बारे में बताऊँ तो इसका ऑन रोड प्राइस 95,000 से लेकर 105,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी सारी डिटेल आप शोरूम में आके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।